रथयात्रा पाई पुणी आशा उज्जीवित होउछि। छत्तीसा नियोग बैठक पर यह किसी प्रतिक्रिया रखिंट गजपति महाराज दिव्यसिंहदेव कहते सुप्रीम कोर्ट रे पिटीशन दाखल होष्पत्ति अपेक्षा रही बिना भक्त रथयात्रा आयोजन करप्रीम कोर्ट को तथ्य दि जाऊ। 10 रु 12 लक्ष भक्तों समागम को आखि आगे रखी सुप्रीम कोर्ट रथयात्रा आयोजन नहीं मना करते तबे कोविड नियम मानि रथयात्रा संभव बोली कहते गजपति महाराज सुप्रीम कोर्ट रे पुनः विचार पई आवेदन करने को राज्य सरकार को निवेदन कर दीर्घ 3.5 घंटा धरी छत्तीसा नियोग बैठक में रथयात्रा संपर्क आलोचना होता मूल पीठ से रथयात्रा कर स्वतंत्रता रही गजपति कहते तबे सोमवार सुप्रीम कोर्ट रे विचार रो परिवर्तन न हेले नूतन व्यवस्था पई आलोचना हेबो आज एवं आसंता काली ए आलोचना हेबो विकल्प रथयात्रा पई उत्तम व्यवस्था हेबो बोली गजपति महाराज कहिसंती। अन्यपटे आज नीतिकांति नै शंकराचार्य को सह मध्य बैठक रहिछि। मैनेजिंग कमिटी जो प्रस्ताव देथिला ओ समस्त सेवक मानकर जो भावना थिला जे कोनोसी भक्त कोनोसी जनसाधारण बडदंड रे उपस्थित रहिबे नाही बिना कौनसी भक्तंकर समागम रथयात्रा अनुष्ठित करने जोटा कि महामान्य उच्च न्यायालय सम्मुखें उपस्थापना हो ना तेणु जिते सुप्रीम कोर्ट से जान लें 10-12 लक्ष लोक होने मना कले तेणु वर्तमान जो पिटीशन दायर होती मैनेजिंग कमिटी जो भावना थिला जे बिना भक्त रथयात्रा अनुष्ठित हो से भावना नहीं कि वर्तमान पिटीशन सब फाइल हुए तो महाप्रभु चाहिले जहाद्वारा कटकणा सहित कोविड पाई जो सब कटकणा आवश्यकता अच्छी से सहित महाप्रभु को केवल पूरी क्षेत्र में रथयात्रा अनुष्ठित करने आमर वर्तमान लॉकडाउन नियम रे केंद्र सरकार राज्य सरकार बाहर रिलीजियस फंक्शन हो पार ना कि गोटे अच्छी जे पर्व बाहर रिलीजियस फंक्शन केबे हो पार से सरकार निष्पत्ति ने तेणु से अनुसार केवल पूरी पाई श्रीक्षेत्र सरकार को से भाई निष्पत्ति नापी आम मैंने पुणी अनुरोध कलु वर्तमान जो सब पिटीशन फाइल होने निश्चित भाव वकिल परामर्श करके चेष्टा करेणु जदि से सफल हुए ताहले हुए तो किसी परिवर्तन हो पारे आउ आमे सरकार को मध्य अबिका निवेदन करुच आउ थे से माने भी या उपरे पदक्षेप नियंतु कारण जो 10-12 लक्ष लोक समागम हेबे बोली तथ्य दिया गला आम भावना रे सेटा दबार नथिला।